हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फली के बारे में बता रहा हूँ, जिस फली का नाम है सुरजना की फली बोला जाता है इसे, और इसका दूसरा नाम मुनगा भी बोला जाता है, मुनगा का पेड़। पर सुरजना की फली के नाम से पूरे भारत में इसे जाना जाता है। यह पतली और लंबी फली होती है, और यह जो सुरजने का झाड़ होता है बहुत कमज़ोर झाड़ होता है, नाजुक झाड़। अगर आप इस पे झाड़ पे चढ़े और इसकी डंगाली जो एकदम बहुत नाजुक होती है, जैसे आप चढ़ेंगे डंगाल पे यह थट से टूट जाएगी और आप नीचे आ जाएंगे। इसलिए कभी भी सुरजना की फली तोड़ें तो यह एक लकड़ी या बांस की बड़ी लेके तब तोड़ें। और मैं आज आपको यह सुरजना की फली के फायदे बताऊँगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सुरजना की फली में होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, और यह जो अपने शरीर में खून की कमी रहती है उस खून की कमी को पूरा करता है, बढ़ाता है खून को। और आप अगर जैसे कि कमज़ोर हों, आपकी हड्डियां कमज़ोर हों, तो आपकी हड्डियों को ये अंदर से मजबूत करता है सुरजना की फली। और कई प्रकार के इसके फ़ायदे हैं, जो आप इसका जो रस, जो उसके फली के बीज और रस जब पकती है, इसको और बीज रस चूसते हैं, तो उससे आपकी अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत मजबूत होती है, और आप में चुस्ती फुर्ती और स्ट्रॉन्ग की पव आती है आपको। यह जितने ही आप बचपन से लेके बड़ी उम्र या ज़्यादा उम्र जैसी भी होती है, कभी भी आप यह खाएंगे तो यह बहुत लाभदायक चीज़ है। और यह बाज़ार में बिकती है, पर बहुत महंगी बिकती है, क्योंकि अदर मेरे यहाँ तो सुरजना की फली का झाड़ लगा हुआ है, मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया था, और बहुत सारी सुरजना की फली, लंबी लंबी फली लगती है। इसमें कुछ जो फली रहती है ज़्यादा मोटी हो जाती है, तो उनके बीज कड़क हो जाते हैं, पर वो सब्जी बनाने के लायक नहीं रहती। तो जो सुरजना की फली पतली रहती है, थोड़ी हल्की सी मोटी रहती है, तो वो ही तोड़ना चाहिए। जैसे कि आप जो फोटो में देख रहे हैं इस प्रकार की होती है, तो आप इसे तोड़ लीजिए, और यह बहुत लाभदायक रहती है। इसको आप बनाने का तरीका ये रहता है, आप इसको छील के और उसको छोटे छोटे जैसे दिया गया है वैसे काट के, और आलू डाल के, मिर्च मसाला, हल्दी सब डाल के आप इसको बढ़िया चटपटी बना सकते हैं, और इसका खाने का स्वाद अलग ही रहता है। और यह प्रोटीन से भरपूर मात्रा में सुरजना की फली रहती है, तो आप ज़रूर इसको उसका स्वाद ग्रहण करें और उसको बनाएं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, और जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है। और जिन महिलाओं को गर्भ के समय जिनको बच्चा जब होता है, तब इसमें उनको दर्द भी कम होता है यह फली खाने से। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।